हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से परक्यूशन थ्योरी क्या होता है रेलवे इंजीनियरिंग में, इससे रिलेटेड डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। परक्यूशन थ्योरी क्या होता है कि जैसे जब आप रेलवे के ट्रैक पर देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, जब ट्रेन जब मूवमेंट करती है तो उस दौरान देखेंगे जो व्हील का जो इम्पैक्ट होता है, व्हील जो है उसमें जो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो क्रीप जो है क्रिएट करता है। जैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कार्य ये है कि जैसे जब जहाँ जहाँ जैसे रेलवे के ट्रैक में जो है एक्चुअली गैप वगैरह जॉइंट के पास जो रहता है तो वहाँ पर जो है इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो व्हील जो है इम्पैक्ट क्रिएट करने से जो रेल का जो फॉरवर्डिंग जो पोर्शन होता है उसमें क्या है वाइब्रेशन क्रिएट होता है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रेल जो है हल्का हल्का मूव करना शुरू कर देता है। आप ऑब्जर्व करेंगे वो माइनर होता है, जो आपको दिखेगा नहीं, वो SCJ वगैरह के लोकेशन पर जो है ये ऑब्जर्व किया जा सकता है। स्विच एक्सपेंशन जॉइंट वहाँ पे गैप रहता है। इसी प्रकार जो वर्टिकल जो पोर्शन होता है व्हील का, वो जो है बेंड रेल को करता है जॉइंट के पास, उससे क्या होता है बैटरिंग जो है रेल में होना शुरू हो जाता है। तो परक्यूशन थ्योरी ये है कि एक्चुअली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में जो है क्रीप का एक्चुअली डेवलपमेंट होता है और वर्टिकल कंपोनेंट जो है रेल को जो बेंड करता है जॉइंट के पास वहाँ पे जो है बैटरी क्रिएट होता है। इसी को परक्यूशन थ्योरी बोला जाता है। और रेल का जो है क्रिप जब डेवलपमेंट होता है रेल में जॉइंट से जो स्टार्ट होता है तो आप देखेंगे कि जब एक्चुअली रेलवे ट्रैक पर जो है जब व्हील का मूवमेंट होता है तो उस दौरान जो है रेल में वाइब्रेशन होता है। तो क्रिप आप ऑब्जर्व कर सकते हैं काफ़ी आसानी से फॉरवर्डिंग दिशा में। आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्रीप क्या होता है इससे रिलेटेड डिटेल आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया हो। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।